अपोजिशन ने, मरियम नवाज साहबा ने और बहुत सारे जो अपोजिशन के कायदीन हैं, उन्होंने एक तरह की ऑलिव ब्रांच भी एक्सटेंड की जहांगीर तरीन साहब को, लेकिन साथ साथ ये भी वो बातें कर रहे हैं कि अब देखें ये जो जहांगीर तरीन साहब से उनके ग्रुप से जो वज़ीर आज़म साहब मिल रहे हैं ये एक तरह का NRO होगा। क्या वाकई कोई NRO होने जा रहा है? क्योंकि जो मेरी इतला है उसमें तो ये है कि FIA ने खुद, जो उनकी तारीख थी आज से दो हफ्ते पहले, शायद हफ्ता पहले, खुद ये सबमिट किया बैंकिंग कोर्ट में कि उनका जो नाम है वो फेक अकाउंट्स के हवाले से वो जो मुकदमा है वो गलत है। खुद FIA ने ये अदालत में एडमिट किया, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये बिल्कुल सही है, वहाँ सारे लोग हैरान हो गए कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ये आपने इनको कैसे नाम रखा है, ये तो इस पर उन्होंने कह दीजिए ये गलत है, ये चार्ज जो है हम इसको विड्रॉ करते हैं। तो जो दूसरा रह गया मरियम बीबी का ये कहना, ये एक जो अपोजिशन की जमातें होती है ना, जहाँ वो हुकूमत के खिलाफ कोई भी चीज़ हो रही हो या उनके हो रही हो, तो वो इस चीज़ से फायदा उठाने के लिए वो ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, और हो सकता है कि जनरली भी उनके जहन में हो हमदर्दी का, मगर ये ऐसी बात है कोई नहीं कि लोग इसको मिस करें कि जी ये कोई ऑलिव ब्रांच है या किसी चीज का इस किस्म का को है, वो तो बल्कि अपने जितने लोग इस जुमरे में आते हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा देखना चाहते हैं कि जी जिन जिन के साथ ज्यादती है तो उसमें वो दिखाएंगे कि हमारे साथ भी ज्यादती है, हो सकता है उनके साथ कई चीज़ों में नाइंसाफी हो रही हो। तो ये जो नाइंसाफी का एक पहलू है ना, जब इसके झंडे के नीचे सारे बंदों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल में तो जहांगीर खान का केस बाकी लोगों से काफी मुख्तलिफ है। अच्छा, कल जब मुलाकात होगी अराकीन की, तो उनका क्या वो बात करेंगे कि केसेस वापस लिए जाएं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, जो इदारों के अंदर जो इनिशिएशन चीज़ें जो इनिशिएट हुई हैं वो वापस ली जाएं? मतलब वो कौन सा पॉइंट होगा या वो कौन सी चीज़ है जो इन अराकीन को मुतमईन कर देगी आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में वो तो एक चीज़ बताएंगे कि ये जो FIRें होते ना समी साहब, ये एक मामूली छोटे पैमाने पे अफसरान और उनके इदारेकार में अख्तियार में होता है कि FIR की जाए, और अगर FIR ऊपर से कहीं से इशारा हो तो वो जितने इशारे ऊपर से होते हैं उनके बारे में सबको नीचे तक पता लग जाता है कि इसके अंदर फलां फलां की मदाखलत है।